بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت فعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين صدق الله مولانا العظيم درود شریف پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ایک مرتبہ پھر محبت دے نال الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلى آلک وأصحابک یا مکین قلوب المؤمنین. نہایت ہی واجب الاحترام بزرگو، نوجوان ساتھیو، عزیز بچو، قابل قدر مائیو، بہنوں اور عزیز بیٹیوں، السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. قرآن حکیم دی او مقدس آیات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے کہ جنہاں دے اندر اللہ رب العزت نے سیدنا اسماعیل علیہ السلام نو منا دی وادی چ ایک خواب سنایا اور او دے نال ایک منظر وکھایا. اس آیت تے میں چند گزارشات پیش کرنا چاہنا ہے، کیونکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اے ساڈے نبی پاک دے دادا نے اور حضرت امام حسین اس نبی پاک دے نواسے نے. قربانی دا آغاز منا چ ہویا ہے اور پھر انجام کربلا چ ہویا. ابتدا دادے نے کیتی ہے، بنیاد رکھی حضرت اسماعیل نے اور اس بنیاد تے عمارت بنائی حضرت امام حسین نے. اسلامی سال دا پہلا مہینہ محرم ہے اور آخری مہینہ ذی الحجہ ہے. مسلمان دا سال شروع ہوندا ہے تاں وی قربانی دی خبر دیندا ہے، سال ختم ہوندا ہے تاں وی قربانی دی خبر دیندا ہے. بتایا جاندا ہے کہ اے محمد عربی دا کلمہ پڑھن والے، آ تیرا آغاز بھی قربانی ہے اور تیرا انجام بھی قربانی ہے. سبحان اللہ.
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मिना पहुँच के हज़रत इस्माईल नु फरमाया, कुरान करीम ने उस मंजर नु बयान किया, फरमाया قال يا بني إني أرى في المنام मेरी इको डिमांड है सुभान अल्लाह जी, वो तो पूरी करो। या बुनैया, ऐ मेरे प्यारे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, बेटा मैंने ख्वाब देखे है, अन्नी अज़बहुक, कि बेशक मैं तेनू ज़िबा कर रहे हैं, बेटा मैं ख्वाब देखी है, तेनू ज़िबा कर रहे हैं, मैं कोई रवायत नहीं, आयत पढ़ रहे हैं, कलामे अबू बकर नहीं, कलामे खुदा है, और ऐसा कलाम जिसे भी शक तो है ही कोई ना। फरमाया मेरे बेटा मैंने ख्वाब देखे है कि मैं तेनू ज़िबा कर रहे हैं, अन्नी अज़बहुक, फंजुर माज़ा तरा, ये मेरा अज का उनवान है, मेरा मजमून है, ये ख्वाब दस के ना कि मैं ख्वाब वेखे तेन ज़िबा पिया करना है, ते फरमाया पास वेख तू ये की वेखना है, फंजुर माज़ा तरा, केड़ा मंजर है जिहड़ा विखाया जा रहा है हजरत इस्माईल नू ख्वाब सुना के, फंजुर माज़ा तरा, बस नजर उठा ना पुत्र वेख, ये तू की वेखना है, की वेखना है, हाय हाय। हजरत इस्माईल ने जवाब की देता, ये नहीं आखिया अब्बा जिहड़ा ख्वाब वेखिया जे पूरा करो, ना ना ना, इस्माईल ने ख्वाब की गल ही नहीं की थी। बाप कहता मैं ख्वाब देखे, इस्माईल कहते ने काल आया फल, अब्बा जी करो कर गुजरो, या अबती फल मा तो मारो, बाबा जरा हुक्म मिलिया जे करो, मैं दावत देना यार, खुदा का कराम है, कुरान है, इब्राहिम दे बेटे इस्माईल कह रहे ने कि इब्राहिम कह रहे ने इस्माईल मैं ख्वाब वेखे है, मैं तेनू ज़िबा कर रहे हैं, बस तू की वेखना है, इस्माईल ये नहीं कहते जरा ख्वाब वेखे जे करो, ना ना ना, ना ख्वाब की गल ही नहीं, इफाल मा तो मर, अब्बा जी कर गुजरो जो हुक्म मिले है। मैं आलम तवरात गया हजरत इस्माईल, अब्बा जी ते तेनों ख्वाब सुनाइए, तो तुम कहते हो जो हुक्म मिले है, फरमाया मैं वाबी नहीं, मैं नबी हाँ, मैं नबी पाक का दादा, मुहम्मद अरबी का दादा, मैं जद्दू लंबी आवा, मैनू पता है नबी का ख्वाब ख्याल नहीं होंगे, हुक्मे इला ही होंगे, इफाल इन जल्दी जल्दी करो बजी, करो जल्दी करो, मा तो मर जरा हुक्म मिले कर गुजरो, शाबाश जिंदाबाद बेटा, मैं तो छुरी रस्सी लैके आया, तैयारी करके आया, तू की करेगा, हकीकी बाबा तुसी भी नबी, मैं भी नबी, थोड़े सर ते भी नबूवत दी पगड़ी, मेरे सिर ते भी नबूवत दी पगड़ी, तुसी भी मुहम्मद दे नूर दे अमीन रहे हो, मैं भी मुहम्मद दे नूर दा अमीना, सत्ता जे दोनी इंशाअल्लाह मिन साबरी, अन करीब
करीब तुसी मैनू सबर वालियां च पाओगे। कर गुजरो केड़ा मंदिर सी जिहड़ा हजरत इब्राहिम इस्माइल नू विखा रहे सन, यह गल कह के मैं ख्वाब वेखे है तेनू ज़िबा करना। फनजुर माज़ा तरा, तू वेखना तू यह की वेखना। बाद आशकां ने आखिया असल बात यह सी, इधर हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब शुरू की ना कि उधर सदियां बाद करबला च होने वाला वाकया अल्लाह ने सामने कर दिता। इमाम हुसैन असगर नूं हत्था ते रख के तीर मरवा के रब का शुक्र अदा कर रहे ने, या अल्लाह जिवें तू राजी इवें मैं राजी। ये मंदिर वेख के हजरत इस्माइल ने किया, अगर इन भी कुर्बानी होंगी है सत्ता जे दनी इंशाअल्लाह मैं नसावेरी। अन करीब तुसी मैनू सबर करन वाले अज पो। इधर ख्वाब बयान हो रहे, उधर हजरत इमाम हुसैन करबला दी कुर्बानियां लैके सामने खलोते ने। हजरत इब्राहिम ने फरमाया ठीक है बेटा मैं तैयारी कर किया है। बाबा जो हुक्म मिले तुसी करो मैं तैयार हूं, मगर जरा ऐसा करियो कि मंग मंग के दुआवां रब को मैनू ले आ जे, अपनी अखां ते पट्टी बन लो, मेरे हाथ पैर बन के ना मैनू उल्टा लिटा दियो, ना तुसी मैनू वेखो ना मैं तुहानू वेखा। बाबा तुहाडा मेरे नाल बड़ा प्यार है, मेरा तुहाडे नाल बड़ा प्यार है, किधरे छुरी फेरन लगियां वेखदे होवो ते मुहब्बत सामने ना आ जाए, किधरे छुरी रुक ना जाए, कुर्बानी ना मंजूर ना हो जाए। बेटा कहिंदा अब्बा हाथ मेरे बन दिओ, पैर बन दिओ, अपनी अखां ते पट्टी बन लो। दिल वाले आखिया इत्थे हुण रूहे हुसैन बोल पई। इमाम हुसैन ने आखिया मेरे दादा इस्माइल तुहाडी कुर्बानी नूं सलाम, तुहाडे जज़्बे नूं सलाम, मिनाज तुसी कुर्बानी का आगाज कर रहे हो, करबला च मैं इनू अंजाम ते पहुंचावांगा, कुर्बानी तुसी भी दे रहे हो मैं भी दियांगा, तुसी मुहम्मद अरबी दे दादे हो मैं मुहम्मद अरबी का दोतर वा, तुसा ते अखां ते पट्टी बन रही है, जो मैं कुर्बानी दियांगा कल पट्टियां खोल वेखा सा मैं, कल पट्टियां खोल कल पट्टियां खोल हथां ते बाल कुआसा कल पट्टियां खोल कल पट्टियां खोल हथां ते बाल कुआसा मैं करबल दियां ततियां टिबियां ते इस इश्क नूं सबक सिखा दा मैं। कल पट्टियां खोल वेखा सा मैं हथां ते बाल कुआसा मैं करबल दियां ततियां टिबियां ते इस इश्क नूं सबक सिखा सा मैं करबल दियां ततियां इस्माइल मैं थोड़े नाल वादा पिया करना है सजदे विच शीश कटा सा मैं
सजदे विच सीस नियाज़े ते कुरान सुना सा मैं सजदे विच सीस नियाज़े ते कुरान मैं दो तरह कमली वाले दा ए सारे कौल निभासा मैं दो तरह कमली तुसा पट्टी बन दी थी मैं पट्टी नहीं बनागा तुसा इस्माइल दे हाथ पैर बन दिते जनाब इब्राहिम मैं असगर दे हाथ पैर भी नहीं बनागा मैं सामने रख के तीर मलवा के सजदा शुक्र अदा करांगा इब्तिदा तुसा कीती है इंतहा मैं करांगा आगाज तुसा कीता है अंजाम ते मैं पहुंचावांगा अल्लाहु अकबर। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने पर अपने कीते कौल निभाए। इमाम हुसैन की शहादत का मतलब नहीं कि नारे मारो आसू बहाओ और घर चले जाओ, नहीं नहीं, मतलब ये इमाम हुसैन सानू सबक की देता है, मकसद की है कुर्बानी का। अल्लाह अकबर। किसी ने बड़े मजे की बात की थी, वो कहता है करबला वालों के मकसद को सभी भूल गए, करबला वालों के मकसद को सभी भूल गए, चंद आंसू तो बहे तशना लबी भूल गए, चंद आंसू तो बहे तशना लबी भूल गए, अहले मातम को फकत सीना जमी याद रही और पैगामे हुसैन इब्ने अली भूल गए। हुसैन पैगाम की दिता है बच्चे कटाने पैते कटा दे, घर लुटाना पैते लुटा दे, वतन छोड़ना पैते छोड़ दे, बच्चिया दिया बोतिया वेखनिया पैन ते वेख लै, लाशा दे टुकड़े वेखने पैन ते वेख लै, लाशा दे कोड़े दौड़ते वेखने पैन ते दौड़ा लै, पर रसूल दे दीन वालों मुख मुँह ना मोड़ी, इस्लाम तो दूर ना टी, रब दी रज़ा वास्ते उन मंगदा जावे तू देंदा जावी, मंगदा जावे तू देंदा जावी। ये मकसद है कुर्बानियां। लोगों नूं इमाम हुसैन की जिंदगी दे 10 दिन सिर्फ याद ने, ते इमाम हुसैन की जिंदगी 10 दिन तो है नहीं, इमाम हुसैन तो 56 साल तो चंद महीनों के होए ने, तो बाकी जिंदगी भी तो याद करो ना इमाम हुसैन की जिंदगी किवें गुजरी है, किस तरह गुजरी है, किस तरह गरीबों के कम आए ने, किस तरह दुखियों नूं सुख तकसीम किए। हजरत ज़ैनुल आबदीन नूं एक यजीदी कहन लगा, ज़ैनुल आबदीन एक गल ते दसो, फरमाया कि, कहन लगा ठीक है असां हुसैन नूं तीर भी मारे ने तलवारां भी मारियां ने, मगर हुसैन दे कंधियां ते दो बड़े बड़े निशान सन, ये निशान असां ते नहीं लाए, ये निशान कादे सन। इमाम हुसैन नूं फरमाया तैनूं पता ही कोई नहीं मेरे अब्बा जिंदगी कैसी गुजरी, मेरे अब्बा जी गरीबा ते बेवा औरतां दियां पानी भरदे सन, मशकां चुक चुक के निशान पे होए सन, कई हज आपने पैदल कीते, गरीबां दे घर जाके गरीबां दे कम आना, नमाज की सख्ती नाल पाबंदी, जिहड़ा खंजर थले नमाज नहीं छोड़ता कितना बड़ा नमाजी होगा। तो इमाम हुसैन की पूरी जिंदगी सानू सबक देती है, दर्स देती है कि जिंदा रहना जे ते इंज रहो, ऐ मेरे असूल जे ते ऐ मेरा किरदार जे। इमाम अली मकाम सब कुछ लैके करबला आ गए दीन बचाने वास्ते। करबला ते बड़े तबसरे होए ने, इस ते बड़िया कहानियां लिखिया गई, कुछ सच कुछ झूठ, कुछ ज्यादतियां भी होने इस वाक्य नाल, बहुत कुछ होया इस वाक्य नाल। जिस तरह इमाम हुसैन मजलूम ने ना,
इस तरह वाकया भी मजलूम है। तुसी शिया जाकिरां दीआं तकरीरां मंगा लो, एक साल होर बयान करेंगे, दूजे साल होर बयान करेंगे, तीजे साल होर बयान करेंगे, यानी पूरा साल हथियार बनाते रहते हैं। इस साल किन्हां हथियारां नाल इमाम हुसैन नूं ज़िबा करना है ते अकबर नूं कहड़े हथियार नाल मारने? नहीं, इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला दी शहादत दा तकाजा ए वे कि इमाम जिहड़ा सबक दिता है उस सबक नूं याद किया जाए और उस ते अमल किया जाए। इमाम हुसैन का किरदार वेखिया जाए, इमाम की गुफ्तार वेख सुनी जाए, इमाम की रफ्तार देखी जाए, देखिया जाए इमाम हुसैन अपनी जिंदगी किमें गुजारी। इमाम हुसैन आ गए, दो मुहर्रम नू करबला डेरा लाया और इमाम अली मकाम इमाम हुसैन बैठ गए। मैंने पिछले जो मैं अर्ज किया सी, इमाम हुसैन सत मुहर्रम नू आप ते पानी बंद कर दिता गया। हज़रत अब्बास लंबरदार मशक लैके मैं जान लगे नहर फिरात वल, तो इमाम हुसैन की नज़र पै गई। फरमाया अब्बास किधर चले हैं? भाई जी मैं पैरा हटा के पानी लैके आवांगा। फरमाया अब्बास मैनू तेरे बाजूआं से बड़ा माण है, तेरी ताकत ते माण है, तू मेरे शेर बाप का शेर पुत्र है। अब्बास मैनू कोई तेरे ते मेरा मुतजलजल अकीदा नहीं, मैं जानना तू कितना दलेर और बहादुर और शाहजोर है, मगर घोड़े तो नीचे उतरा, तलवार में आने जपा, क्यों? असी कर मदीने तो करबला पानी लैन नहीं आए, असी परचे देन आए हैं, इस्लाम बचाण आए हैं। सोहणिया वीरा मेरे बाप दिया पुत्रा हज़रत इस्माइल अपनी अड्डियाँ रगड़न ते आबे जमजम जारी होवे, मैं एक बार नाने नूं आखा ते आबे कौसर भी कर बुला सकदा है, मैं पानी पीण नहीं आया, मैं इम्तिहान देना है। फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन जट गए करबला च, सत मुहर्रम तो लैके ते नौ मुहर्रम तक इमाम हुसैन रजी अल्लाह तआला नूं मजबूर किया गया। बार बार इबन साद नाल मुलाकात भी हुई, वफूद आए कि हुसैन बैत कर लो ना, आप मुसीबत जाओ ना सानू परेशान करो, मगर इमाम हुसैन का एको जवाब सी, यजीद पली ते हुसैन पाक। मेरा ये जो हाथे नू कई बारी मेरा नाना बोसे देंदा हुंदा सी, मेरी माँ फातिमा कई बारी मेरे हत्थां नू चुमदी सी, ये हाथ कटा के जा सकता, किसी फासक दे हाथ भी नहीं दिता जा सकता। इमाम ने फरमाया किसी सूरत बैत नहीं हो सकती। अल्लाह अकबर कबीर, नौ मुहर्रम आ गई। इबन साद ने जरनैला नूं बुला के आख्या बड़ी कोशिश की है मगर हुसैन बैत ते आमादा नहीं होंदे, फिर वक्त जाया कर रहे हैं, हमला करिए, मुकाइए खेड़ ते चलिए वापस। जरनैला ने कहा ठीक है हमला कर दो। असर की नमाज पढ़ के इमाम हुसैन अपने खैमे च आए, जंग का ऐलान हो गया। हजरत अब्बास अलंबरदार ने जब ऐलान सुनिया तो दौड़ के खैमे च आए, सैयदा जैनब को पूछया भाई जी उरी किथे ने? सैयदा ने फरमाया नमाज पढ़ के खैमे च आए थे सन, मैं देखनी हाँ। सैयदा ने वेख्या तो इमाम हुसैन खैमे की चोब नाल तकिया लगा के बैठे सन और अपना सर अपने घुटने ते रख के सो रहे सन। जैनब तो वध के हुसैन नूं कौन जानता है? सैयदा ने बाजू तो पकड़ के हिला के आख्या सोने वीरा लोग तुहाडे खून के दुश्मन ने, तुसीं नींदरा पे करदे हो? इमाम हुसैन ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़िया, अखां खोल के फरमाया भैन मैनू पता है असर तो बाद नहीं सौना चाहिए, मेरे नाने ने मना किया सी नौसर दा वक्त है, असर तो बाद सोया ना करो। तो भाई जी फिर तुसी आप क्यों सुते हो? फरमाया जैनब मैं सो नहीं सर रहा, मैं नाने नाल मीटिंग कर रहा सो। भाई जी की मीटिंग हुई? फरमाया मैं असर दी नमाज पढ़ा के आया, कह मेरी चोब नाल तकिया लगाया हूं आ गई, मेरा नाना कमली वाला मेरे सामने आ गया, रहमत आलम ने मेरा मत्था चुम के फरमाया हुसैन बेटा बड़ा लंबा रोजा रखे,
हुसैन कल रोजा मेरे को इफ्तार करी, कल शामी इफ्तारी मेरे दस्तरखान ते होवेगी। नाना बड़ा करम बड़ी मेहरबानी, हजरत अब्बास ने आखिया वीरा कल शाम ते दूरे हमले का ऐलान हो चुका है, कोड़िया की आवाज सुन रहे हो, यजीदियां दे नारे सुन रहे हो। इमाम ने फरमाया अब्बास दौड़ के जा, इब्ने साद वल मेरा पैगाम लेके जा। इब्ने साद मैं मुहम्मद अरबी का नवासा वा, मैं शेरे खुदा का शेर पुत्र हाँ, मैं तलवारों को डरन वाला नहीं हाँ, मैं तीरों को घबराने वाला नहीं हाँ। असर पर चुके हैं, मगरब करीब आ गई है, हुन जंग का मजा नहीं आएगा। एक रात दी मैं तेरे को मोहलत मंगने, मेरी जिंदगी दी आखिरी रात है, मैं जी भर के रब दी इबादत करना चाहना। एक रात दी मोहलत मंगने, मेनू एक रात दी मोहलत दे दियो। हजरत अब्बास गए, इब्ने साद ने मशवरा किया जरनैलों नाल, जरनैल कहन लगे ठीक है हुसैन नू मोहलत दे दियो, कल तक और प्यासा होवेगा, घर वाले प्यासे होंगे, कमजोर हो जाएंगे। मोहलत मिल गई, इमाम हुसैन ईशा दी नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के इमाम मुसल्ले ते खड़े हो गए। इमाम ने फरमाया बहादुर साथियों इस्लाम के प्यासे वफादारो, जाने कुफर में हको सदाकत के मददगारो, तुम्हें मालूम है सबकी सहर होगी तो क्या होगा, चलो मानो वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा। उठो और अपना सामान सफर बांधो चले जाओ, अंधेरी शब कालम है जिधर जाओ चले जाओ, न शर्माओ तुम्हें अपनी खुशी से छोड़ता हूं मैं, जो बंधन है मेरी बैत का वो भी तोड़ता हूं मैं। तुसी मदीने तो मक्के तो मेरे नाल आए सो, पीर मुरीदा को चले आए, साथियों मैं पीर जरूर हाँ पर कुफे वाले मुरीद नहीं रहे, मेरे खून दे प्यासे ने जिन्हें वापस जाने चले जाओ, मैं इन्हें आपे अकेला जंग कर लांगा, मेरा खून पी के अपनी प्यास बुझा लेंगे, मैं तुहाडे ते राजी हाँ। साथी कदमां ते गिरे, पगड़ियां इमाम दियां कदमां ते रख के आखिया न कुछ पीने की हाजत है न खाने की तमन्ना है, तेरे सर की कसम अब सर कटाने की तमन्ना। इमाम ने फरमाया मरहबा बारकल्ला, फिर इमाम हुसैन खैमियां वल चल पे, इमाम इस दुनिया च आखिरी रात जिंदगी दी, इमाम खैमियां वल चल गए, किसी खैमे को गुजरे अंदरों तिलावत दी आवाज आ रही है, किसी खेमे को गुजरे अंदरों नाद दी आवाज आ रही है, किसी खेमे को गुजरे दरूद दी आवाज आ रही है, इस खेमे को गुजरे कोई मां अपने बच्चे नू सीने ना लेके कह रही है मेरे बेटा बड़ी मुश्किल नाल तेनू पाल के जवान कीता, वादा कर कल पीर हुसैन दिया कदमा तू अपना सर कुर्बान करेगा, मैं जो तेरी लाश वेखा कोई तीर तेरी पीठ विच ना लगा होवे, जरा लगे तेरे सीने च लगे, मैनू अम्मा फातिमा सामने शर्मिंदा ना करी। इमाम हुसैन बारकल्ला अल्लाह बरकत देवे, चलदिया चलदिया हजरत बीबी शार बानो दे सामने ईरान दी शहजादी नौशेरवां आदल दी पोती इमाम हुसैन दी रफीका है याद, मुसल्ले ते बह के ते तिलावत कर रही हैं, कुर्बान जावा इमाम हुसैन करीब आके ना ते दोवें हाथ शारबानो दे सर ते रखे, शारबानो ने मुड़ के वेखिया मेरा सरताज आ गया है, कुरान पाक नू बंद करके शारबानो अपने हाथ इमाम दियां कदमां ते रखे, मेरे आका मैं हमातन गोश होके सुन रही हाँ, फरमाओ की हुक्म है,
امام نے فرمایا شاربانو بڑیاں ضروری اور آخری باتوں آقا میں سن دی پہیاں فرماؤ امام عالی مقام نے فرمایا شاربانو سب تو پہلے میں تیرا شکریہ ادا کرنا ہے تو ایران دی شہزادی ہو کے مدینے دے فقیر نال گزارا کیتا سونے تے برتنا سونے تے چاندی دیاں برتنا چکھار والی ہو کے مٹی دیاں برتنا چکھا کے اللہ دا شکر ادا کر دی رہی ہے کوئی فرمائش نہیں کیتی مسلے تے میرے نال گزارا کیتا نرم گدیاں تے سون والی شاربانو پیر پکڑ کے کہندی ہے میرے سرتاج مینوں بار بار ایران دی شہزادی نہ آکھو خدا دی قسم ہے ایران دی شہزادی کہلوا کے کدی وہ مزہ نہیں آیا جڑا محمد دی کنیز کہلوا کے نہیں ہے کوئی مجھ کو ناز کسرا کے گھرانے پر مجھے تو فخر ہے آقا تمہارے آستانے پر زہے قسمت محمد مصطفیٰ کے گھر کی لونڈی ہوں مجھے بز دل نہ سمجھو مرتضیٰ کے در کی لونڈی ہوں آقا میں ناز کرنی ہاں میں خاتون جنت دی کنیزاں بوقت امتحان یہ گود خود ویران کر دوں گی نبی کے دین کی خاطر بچے قربان کر دوں گی مگر جھکنے نہ دوں گی عظمت اسلام کا پرچم صدا اونچا رہے گا مصطفیٰ کے نام کا عظمت شہداء کرب و بلا عظمت شہداء کرب و بلا عظمت شہداء کرب و بلا امام نے فرمایا شاباش شاربانو پر ایک ضروری بات سن لے اس وقت حسین تیرے سامنے موجود ہے جڑی کل شام آوے گی حسین دی لاش بکھر چکی ہوئے گی ہوں اکبر موجود ہے کل اکبر نہیں ہوئے گا قاسم موجود ہے کل قاسم نہیں ہوئے گا عباس موجود ہے عباس نہیں ہون گے بچے کٹ جان گے شاربانو ہوں میں بھی موجود ہاں کوئی میلی اکھ نال تیرے وال نہیں ویکھے گا ایران جانا ہی چلی دا میرے والوں اجازت ہے مدینے جانا ہی چلی جا مکے جانا ہی چلی جا کسے نو جرت نہیں ساڈے آنیا کوئی تیرے وال اکھ بھی میلی کر کے ویکھ کے ایران دی سزا دیے اے کربلا دے گرم ٹبے میں اتنے بڑے امتحان نے بڑی اوکھی منزل آئے گی شاربانو قدم پھڑ کے کہن دیئے سجنا زندگی دی آخری موڑ تے مینوں دروازے تو دور نہ کرو آ چلی جاواں تے کل تہاڈی ماں نوں منہ کیڑا وکھاواں گی اگر فاطمہ زہرا نے کہہ دتا شہزادی نکلی ہے نا میرے پتر نوں کربلا دشمنا چھوڑ کے آپ واپس چلی گئی سی آقا میں نہیں جاواں گی میں نہ جاواں گی امام نے فرمایا تو نال تے رہے گی پر تو شہزادی ہے اے بڑے امتحان نے بڑے اوکھے پینڈے نے عرض کیتی میرے آقا میں لمبے چوڑے وعدے نہیں کر دی میں وعدہ کرنی ہاں میں تھوڑی بہن زینب دی کاپی کراں گی کنیز بن کے کاپی کراں گی امام نے فرمایا زینب دی کاپی جی آقا زینب دی کاپی لمبے چوڑے وعدے نہ لو جڑا کردار زینب کیتا میں سجنا کر کے دکھاواں گی مینوں دروازے تو دور نہ کرو امام نے فرمایا بارک اللہ پھر وعدہ کرو میری لاش گھوڑے تو ڈگ پوے تسا خیمے ہو باہر نہیں نکلنا منہ تے تماچے نہیں مارنے وال نہیں کھولنے سینہ کو بھی نہیں کرنی پھر امام حسین اٹھ کے اپنے خیمے چاہے امام حسین نے قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دی زندگی دی آخری رات ہے صاحب قرآن دیا موڈیاں تے چڑھ کے قرآن پڑھن والا سیمنس قرآن پیا پڑھتا ہے امام عالی مقام دی امشیرہ سیدہ زینب نے تلاوت سنی نا ویر دے میوں تے خیمے چ آ گئی ہیں تے اپنی چادر دے کونے نال نہ پائی نو ہوا دے رہی ہیں نے بار بار امام حسین دی داڑی نو چوم دیا امام عالی مقام امام حسین نے تلاوت بند کی تھی فرمایا زینب جی بھائیا فرمایا
बड़ा औखा वक्त आ रहा है, बड़ा नाजुक वक्त आ रहा है, इस्लाम कुर्बानियाँ मंगते और मैं कुर्बानियाँ देने वास्ते आ गई। जैनब मेरे यतीमों का ख्याल रखी, जैनब असा इस्लाम नू बचाना है, नाने दीन नू बचाना है। अर्ज की थी वीरा फिक्र ना करो, जब तक तुसी मौजूद हो ना दुनिया, मैं जैनब हाँ तुसी हुसैन हो, मैं वादा करनी हाँ वीरा तुसी कुछ जाओगे ना मैं दुनिया नू हुसैन बन के दसांगी, मैं दसांगी हुसैनी किरदार की होंगे। फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने आवाज़ दी हज़रत शाहजादा अली अकबर नो, शाहजादा अली अकबर आवाज़ सुन के खैमे से अब्बा जान आपने याद किया, फरमाया हाँ बेटा, बेटा मेरी बड़ी ज़रूरी बात सुन। शाहजादा अली अकबर अर्ज कर दे रहे बाबा फरमाओ। शाह फरमाया अली अकबर बचड़ा हुण की तजवीर सुची वे, बैत सिवा पानी नहीं मिलता हुण बैत चा करी वे। इम्तिहान लै रहे ने, मैं अपने बेटे का ख्याल में हुणे ही इम्तिहान लै लवां, बेटा बैत बगैर पानी नहीं मिलेगा, की मशवरा देना, बैत कर लईए। अली अकबर आखिया बैत न कर सा, जिन जीवे जा ना जीवे, असी पानी पीसा जहाज कौसर दा, इत्थे उम्मत नाने दी पीवे। इमाम अली मकाम ने फरमाया शाबाश अकबर, जिंदाबाद अकबर, अकबर तेरिया लगा विच बाबे अली दा खून पिया बोलदा, अकबर कुर्बानियां देनिया ने, दीन बचाना है, दीन बचाना है, इस्लाम बचाना है। अल्लाह अकबर। रात गुजरती गुजरती जा रही, सहरी का वक्त होया, इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने फरमाया अकबर जी बाबा तयम्मम करके करबला दे टिब्बे ते अपनी जिंदगी दी आखिरी अजान पढ़ ले। ए बेटा तेरी जिंदगी दी आखिरी अजान होगी, अज फजर दी जमात मेरी जिंदगी दी आखिरी जमात होगी। बेटे याद रखी ऐसी अजान पढ़ी, क्यामत तक तेरी अजान दे तस्करे होंगे, और मैं ऐसी जमात करावांगा कि मेरी इमामत दे नारे गूंजते रहेंगे। तिना दिना दा भुखा ते प्यासा शहजादा, पानी ते पीण वास्ते नहीं सी, करबला दी रेत तयम्मम कीता, अली अकबर ने अजान दी। अजान हर मस्जिद च होंदी है, हर पासे आवाज़ आउंदे ने, पर इकबाल कहंदा रह गई रस्में अजां, रूहे बिलाली न रही, फलसफा रह गया तलकीने गिजाली न रही। कित्थों ले आई वो अजान जो अकबर ने करबला दे टिब्बे ते पढ़ी, कित्थों निकाली वो अजान जो हज़रत बिलाल ने मस्जिद नबी दे सेन विच खलो के पढ़ी, उन्हां अजाना तो कुर्बान, उन्हां अजान देण वालियां तो सदके। शाहजादा अली अकबर ने अजान पढ़ी, सब नमाजी जागदे ने, पानी तो किसी कोल है ही नहीं, सब ने तयम्मम किया। मुसलमानों कैसी नमाज है, इमाम का भी तयम्मम है, मुअज्जिन का भी तयम्मम है, मुक्तदियों का भी तयम्मम है। शाहजादा अली अकबर ने अकामत कही, इमाम हुसैन ने फजर की नमाज पढ़ाई, नमाज पढ़ा के इमाम ने हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह चर्ज की, या अल्लाह तेरे दीन की खैर हो या इलाही, मैं आऊँगा कश्ती किनारे लगा के, या अल्लाह तेरा दीन बसदा रवे, मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर देंगा। फिर इमाम अली मकाम इमाम हुसैन ने हाथ चेहरे ते फेरे, मुसल्ले ते खलो के ना इंज मदीने वाल निगाह गई, नज़र आया कि शाह दो सरा तशरीफ लाए हैं, नज़र आया कि शाह दो सरा तशरीफ लाए हैं, बिरहना पा गिरोह अंबिया के साथ आए हैं, करीब आकर नवासे को लगाया अपने सीने से, बिठाकर गोद में फिर यूं कहा दिल के नगीने से, खलीलुल्लाह की सुन्नत अब मुकम्मल होने वाली है, तेरे गम में ये दुनिया ता क़यामत रोने वाली है,
उठे खंजर तो बेटा तुम सरे अकदस झुका देना, मेरी चूमी हुई गर्दन खुशी से तुम कटा देना। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला नु दी पूरी जिंदगी दी हर एक अदा तो कुर्बान। इमाम दी नमाज भी वखरी, इमाम दा रकू वखरा, इमाम दी तिलावत वखरी। मेरा ख्याल तो ऐसी कि अज हजरत शहजादा अली अकबर दी शहादत मुकम्मल करा, मगर वक्त दा दामन बहुत तंग हो गया। पिछले साल भी मेरी चूँकि नज़र काफ़ी कमज़ोर हो गई है और मैंने घड़ी ने बड़ा धोखा देता पिछले जुमे से, तो वक्त बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत सारे अहबाब जिन्हें ड्यूटियाँ से जाना होंगे वो यकीनन परेशान होए, मगर मेरी मजबूरी यह सी कि मैनू नज़र धोखा दे रही थी। मैं सोच रहा था अजे पौने दो नहीं होए तो दो तो भी घड़ी उपर चली गई, तो मैंने अमजद भाई ने किया, मैं आखिया जी घड़ी बदलो ताकि घड़ी कम अज़ कम मैनू बता सके कि वक्त उपर जा रहा है। तो इंशाअल्लाह ताला बाकी मजमून अगले जुमे ते आओगे तो हज़रत शहज़ादे अली अकबर की शहादत इस चलावांगे। अल्लाह मेरी थोड़ी हाज़री कबूल करे। खुदा गुलिस्तान फातिमा दा सदका हर घर विच बहार ले आवे, दीन दी शमा रोशन रवे। आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह।